चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। प्रशांत किशोर का दावा है कि आने वाले समय में ना तो जनता दल यूनाइटेड बचेगा और ना ही नीतीश कुमार का कोई राजनीतिक वजूद रहेगा। उन्होंने बिहार में अधिकारियों के राज और नीतीश कुमार की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि जदयू जब दल ही नहीं रहेगा तो उसका उत्तराधिकारी आखिर क्या करेगा। पीके ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार का जो दल है मैं उसमें रहा हूं, नीतीश कुमार के साथ काम भी किया है, तो उस दल की पूरी पूंजी नीतीश कुमार ही है। जब वही पूंजी खत्म हो जाएगी तो ब्याज से कैसे काम चलेगा, उस दल का कोई भविष्य नहीं है। प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि आप बिहार में किसी व्यक्ति से बात करिए वो कहेगा बिहार में अधिकारियों का राज है, अधिकारियों का जंगल राज है। ऐसे में लोगों को विचार करने की जरूरत है कि अधिकारियों का आखिर जंगल राज हुआ कैसे। नीतीश कुमार तो पहले भी मुख्यमंत्री थे, हुआ ये कि नीतीश कुमार पिछले कुछ सालों से विधायकों, मंत्रियों, पंचायती राज से जुड़े हुए लोगों के बजाय अपने कार्यकर्ताओं के बजाय पूरी व्यवस्था को अपने चंदोचार सलाहकार के हवाले कर चुके थे। आपको बता दें प्रशांत किशोर ने आगे अपने बयान में कहा कि मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, लेकिन लोग बता रहे हैं कि उनकी जो स्थिति है शारीरिक और मानसिक रूप से वे उसमें सक्रिय नहीं हैं, तो जो उनके इर्द गिर्द के सलाहकार हैं वे लोग चला रहे हैं। पीके ने यह भी कहा कि वे लोग हैं जिनकी किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि ये अधिकारी भी नहीं है, ये केवल सेवानिवृत्त है। प्रशांत किशोर के बयान में ये तक कहा गया कि जनता ने जनादेश दिया ही नहीं, सरकारी नौकरी की वजह से जो आपको पावर मिलती है वो है ही नहीं, आप सरकारी नौकर थे, नीतीश कुमार ने सलाहकार बना दिया, इनका न जनता से सरोकार है न सरकार व्यवस्था से सरोकार है, इसीलिए बिहार में अधिकारियों का बोलबाला दिख रहा है, जो अधिकारी चाहेगा वही होगा। प्रशांत किशोर ने बिहार में स्मार्ट मीटर, शराबबंदी और जमीन सर्वे जैसे तमाम बड़े मुद्दे उठाए, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर जो सवाल प्रशांत किशोर उठाते नजर आ रहे हैं इस पर अब आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।